तो यस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक 9x9 का रूबिक्स क्यूब और इन 5 इजी स्टेप्स में, और ये मैं पूरा हिंदी में आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम बनाएंगे सिर्फ 5 स्टेप्स में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले तो हमने चूज़ करना है कोई भी सेंटर कलर हमारा, जैसे यहाँ पे ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, कोई भी सेंटर कलर आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज मैं चूज़ करने वाला हूँ कौन सा चूज़ करूँ, ये ऑरेंज कलर चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये ब्राइट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगते हैं ब्राइट कलर। तो ये सेंटर कलर हम ये चूज़ करेंगे। तो इसके साथ हम बनाएंगे ये सेंटर में जो सारे वाइट, ग्रीन और येलो और हैं ये वाले सारे, इसको हम ऑरेंज करेंगे और इनको मिक्स करेंगे साथ में साइड कलर के साथ। जैसे ये येलो और ग्रीन और ऑरेंज ये पूरा मिक्स होना चाहिए हमारा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे मूव करने हैं। ये वाला पीस अभी हम मूव करेंगे, ये येलो ऑरेंज पीस को हम सबसे पहले मूव करेंगे। येलो को नीचे लेके आएंगे, इसको इधर साइड पे लेके आएँ और इसको हम ऊपर मैच करेंगे ऑरेंज के साथ, ऑरेंज कलर को ऑरेंज के साथ। और ये देखिए ये ऑरेंज और येलो ये आपस में मैच हो रहे हैं, जैसे ऑरेंज ऑरेंज के साथ मैच हो रहा है और येलो येलो के साथ मैच हो रहा है। अभी ऐसे ही हम यहाँ पे वाइट के साथ मैच करेंगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे वाइट और ऑरेंज कलर का पीस, तो वाइट एंड ऑरेंज का ये रहा, इसको हम लेके जाएंगे वाइट के नीचे और इसको ऊपर वाले को बिना छेड़े हुए इसको हम घुमा के ऑरेंज के साथ लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे ब्लू एंड ऑरेंज या फिर ग्रीन एंड ऑरेंज। तो ग्रीन एंड ऑरेंज ये रहा हमारे पास, इसको नीचे लेके आए और मूव किया और हम ये वापस इसको ऊपर ले गए। तो हमारे पास ये बन गया क्रॉस, ऊपर हमको चाहिए क्रॉस। ऐसे हमने ये सारे क्रॉस कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये साथ में मैच होना चाहिए ऊपर और साइड्स। तो इसके बाद हम मैच करेंगे इसके साइड्स। तो साइड्स मैच करने के लिए आपको ये साइड पीसेस भी मैच करने हैं। ऊपर ऑरेंज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ब्लू है और साइड में वाइट है और ऊपर ऑरेंज है। तो हमें ये एक पीस चाहिए यहाँ पे पहले लगाने के लिए ब्लू वाइट एंड ऑरेंज कलर का। सबसे पहले हम वो पीस ढूंढेंगे, ये देखिए ये हमको मिल गया, ये है ब्लू वाइट एंड ऑरेंज पीस। इसको लेके जाएंगे नीचे जहाँ पे हमको इसको लगाना है। तो पहले वो पोजीशन ढूंढेंगे और वहाँ पे लेके जाएंगे, मूव करेंगे। जैसे ये आ गया, अब ये देखो यहाँ पे ब्लू है और इधर वाइट है और ऊपर ऑरेंज है। तो हमको ये पीस यहाँ पे लेके आना है पहले, फिर इसको नीचे लाएंगे, मूव करेंगे और ऊपर वापस ले जाएंगे। तो ये ऐसे ही लग जाएगा हमारा पीस। तो ऐसे ही मैच करके हमने बाकी की तीनों साइड्स को भी लगा देना है। और तो अगला पीस लगाने के लिए हमको ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं हिलाना है, ऊपर वाला पार्ट हमको होल्ड रखना है स्टिल, और नीचे को नीचे वाले को आप मूव कर सकते हो। जैसे भी आपको पीस ढूंढना है तो पीस ढूंढने के लिए आप इधर मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो जो भी पीस आपको यहाँ भी मूव करना है उसके उसको आपके जहाँ लगाना है उसके नीचे ले आना है और मूव करके ऊपर लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया ग्रीन के साथ ग्रीन और वाइट के साथ वाइट। ऐसे ही आपको करके सारे के सारे पीसेज लगा लेने हैं और ऊपर का पूरा ऑरेंज या मतलब जो भी आपने कलर चूज़ किया वो वाला पार्ट आपने पूरा कर लेना है। तो ये आप धीरे करके स्लो करके देख सकते हो, मतलब आइडिया ले सकते हो ये मैं कैसे पार्ट्स को मूव कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें मूव करने के लिए, एक बार आप कर लोगे तो फिर आप आसानी से कर पाओगे। इसको धीरे करके स्लो करके देख लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर का पार्ट बना दिया और देखो साइड्स भी पूरी मैच हो रही हैं, ब्लू के साथ ब्लू, वाइट के साथ वाइट, ग्रीन के साथ ग्रीन, ऐसे ऊपर वाला पार्ट मूव करना है। अब हम यहाँ इसकी बनाएंगे सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन बनाने के लिए हमको पहले बनानी पड़ेगी इसकी टी शेप। तो टी शेप बनाने के लिए हम यहाँ पे नीचे देखेंगे पहले इसका सेंटर पीस कौन से कलर का है। तो वो अगर जो भी कलर का होगा तो वो हमको वो वाला पीस नहीं चाहिए, और उसके अलावा हम जो भी हैं सेंटर कलर में लगा के उसको पीस को हिलाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास रेड कलर का सेंटर पीस है, तो हम ये सेंटर पीस ले रहे हैं ग्रीन और येलो कलर का। तो हमको ये मूव करना है यहाँ पर, ये पीस को यहाँ पर मूव करेंगे। तो इसको यहाँ पर मूव करने के लिए हमारे को ये एक फॉर्मूले को मैंने स्क्रीनशॉट में दे दिया है। तो फॉर्मूला आप देखो, और जिस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ इसकी सारी पोजीशंस आप देखिए, और इसकी पोजीशन को देखकर आप मूव कर सकते हैं। धीरे से स्लो मूव कर रहा हूँ मैं,
आपको ये इजीली आइडिया हो जाएगा कि कैसे मूव करना है। तो ये मूव करने के बाद ये देखिए ये येलो एंड ग्रीन पीस मूव हो गया है। तो अभी हम और दूसरे पीसेस की तरफ देखेंगे। तो रेड के साथ हमने नहीं लेना पीस, जो भी रेड के बिना है तो उसको हम लेंगे। तो ये देखिए अभी ब्लू एंड वाइट कलर का जो पीस है उसको हम मूव करेंगे। तो उसको मूव करने के लिए सेम फार्मूला अपनाएंगे, और फार्मूला आपको ऊपर दे रखा है मैंने, आप देख सकते हो इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर स्लो करके जैसे भी आपने देखना है। तो ये सेम टू सेम ऐसे मूव करना है आपने जो है, और वो पीस अपने आप लग जाएगा। ये फार्मूला बहुत ही आसान है याद करने, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा ये ब्लू एंड वाइट पीस यहाँ पर लग गया। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे अभी कौन सा मूव करना है। तो पहले तो जैसे मैंने आपको रेड के साथ हमने चूज़ नहीं करना कोई भी पीस, जो नीचे वाला कलर है ना उसके साथ हमने कोई भी पीस चूज़ नहीं करना। तो अगर हमने अपने पीस को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है तो फर्स्ट फार्मूला अपनाना है, अगर हमने अपने पीस को राइट की तरफ मूव करना है तो ये सेकंड फार्मूला अपनाना है। सेकंड फार्मूला भी सेम है, बस इसमें पहले लेफ़्ट साइड मूव करनी थी, इसमें अब हमने राइट साइड मूव करनी है। तो ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, फार्मूला को देखिए, धीरे धीरे वीडियोज़ को देखिए और आप आराम से ये कर पाओगे। तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, और बहुत इजी है ये स्टेप करना। ये देखिए ये मैंने मूव कर दिया है, अभी हमारी ये लास्ट पीस बचा हुआ है। तो इसको करने के लिए फिर से सेम हम वही फॉर्मूला को रिपीट करेंगे। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमको ये एक पीस जो है पहले नीचे लेके आना पड़ेगा उसको। तो नीचे लेके आने के लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या करना है, तो ये आप सीख लीजिए। तो जब हम एक बार इसको नीचे ले आएंगे तो फिर हम वही पुराने वाला फॉर्मूला जो हमने पहले अपनाया था वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये देखिए ये मैच हो रहा है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे मैच कर लेंगे ऊपर का। और ये वो वाला पीस जो हमारा ग्रीन एंड वाइट का था वो रोटेट होके नीचे आ गया है, ये आ गया। इसको हम ग्रीन के नीचे लेके जाएंगे और इधर इसको राइट की तरफ मूव करेंगे। राइट की तरफ मूव करने के लिए पहले डाउन को लेफ़्ट घुमाएंगे, राइट को डाउन करेंगे, फिर से डाउन को लेफ़्ट घुमाएंगे और राइट को अप कर देंगे। डाउन को राइट घुमाएंगे, ये जो फॉरवर्ड पीस है इसको राइट करेंगे, डाउन को राइट करेंगे, फॉरवर्ड पीस को लेफ़्ट कर देंगे। तो ये हमारे ऊपर की दो लाइंस कंप्लीट हो गई। ये हमने ऊपर की दो लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। तो आप इतना करोगे तो आपका तकरीबन हाफ क्यूब डन हो जाएगा। तो इसके बाद हमने जो करना है अपने क्यूब को उल्टा कर लेना, बिल्कुल जो ऊपर वाली साइड हमने बनाई थी उसको नीचे कर देना और नीचे वाली साइड को हमने कर देना ऊपर। तो चलिए अब बनाते हैं हम ऊपर वाली साइड। ऊपर जैसे हमारे पास सेंटर पीस जो है रेड कलर का है, तो पहले हम ऊपर वाली लाइन बनाएंगे। ऊपर मतलब कि ऊपर में पूरा रेड बनाएंगे, साइड्स को अभी हम छोड़ देंगे, मतलब जो ऊपर वाली अब हो गई है साइड उसको साइड्स को अभी छोड़ देंगे। अभी हम बनाएंगे ऊपर पूरा रेड का क्रॉस। तो रेड का क्रॉस बनाने के लिए ये है फार्मूला, और फार्मूला की ये मैंने डिटेल्स दे रखी हैं, तो इसको आप देखिए ध्यान से। तो ये है हम मूव करेंगे पहले फॉरवर्ड पीस, अभी इसको बोलेंगे अपर राइट, अभी बोलेंगे इसको राइट को अप, और अप को दोबारा से हम लेफ़्ट करेंगे, राइट को डाउन करेंगे और फॉरवर्ड को लेफ़्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन के आ जाएगी एक स्ट्रेट रेड लाइन। तो रेड लाइन जो भी कलर चूज़ करोगे तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी या क्रॉस बन जाएगा। तो जब तक क्रॉस नहीं बनता तब तक हमको ये सेम फॉर्मूला दोबारा रिपीट करते रहना है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक क्रॉस नहीं बना है, तो जब तक क्रॉस नहीं बनता तब तक हमको ये सेम फॉर्मूला रिपीट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस बन गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि क्रॉस बन गया है, और क्रॉस के साथ अब हमको सेकंड जो पार्ट है वो मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ये जो फार्मूला हमारा लगेगा वो सेम फार्मूला होगा, वो तब तक हम फार्मूला लगाते रहेंगे जब तक हमारे पास साइड्स में, जैसे यहाँ पर दो दिख रहे हैं ना रेड, मतलब चार साइड्स होती हैं तो इसके दो रेड दिख रहे हैं, तो एक हमारे पास सिर्फ एक कॉर्नर में रेड होना चाहिए, बाकी तीन कॉर्नर्स हमारे खाली होने चाहिए। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, और फार्मूला को अप्लाई करते हुए हमको लेके आना है साइड्स में सिर्फ एक रेड को। सबसे पहले हमारा टारगेट एक रेड लाना है। तो जब तक वो नहीं आता तब तक हमको ये सेम फॉर्मूला अपनाते रहना है, और जैसा कि क्यूब को मैं मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो वैसा ही कोशिश करें कि आप मूव करें।
तो अभी तक हमारे पास ये अभी एक साइड में एक रेड नहीं आया है, अभी भी यहाँ पे दो हैं, तो फिर से हम रिपीट करेंगे ये फॉर्मूला तब तक रिपीट करते रहना है जब तक हमारे पास साइड्स में एक रेड नहीं आ जाता और तीन साइड्स हमारी खाली दूसरे और कलर की नहीं हो जाती। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये ऐसे होना चाहिए। ये देखिए एक कॉर्नर पे रेड है, बाकी तीन कॉर्नर्स पे डिफरेंट कलर है। तो डिफरेंट कलर जब आ जाएंगे तो क्यूब को आपने इस तरह से होल्ड करना है, जैसे कि ये अब मैं कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से क्यूब को होल्ड करोगे इस पोजीशन में और फिर से सेम फॉर्मूला रिपीट करोगे, तो ये हमारा ये क्यूब है ऊपर का, इसका जो पूरा साइड्स हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक यही फॉर्मूला अपनाना है, कोई और क्यूब को ज़्यादा मूव नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला आप अपनाते रहिए तो ऊपर से हमारा ये कलर बन जाएगा। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऊपर से रेड हो गया और अब ये हमारे बचे हैं साइड्स। ऊपर का पूरा पॉट बनने के बाद चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा फोर्थ स्टेप। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीछे का ग्रीन पार्ट जो है वो पूरा का पूरा बन गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार बनेगा ही, अगर आपका बन गया तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं। आपका जो भी पार्ट है अगर आपका मैच हो रहा है तो उसको आप पीछे की तरफ रखोगे, और मतलब अपनी साइड से पीछे की साइड, और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ इसमें, अगर चाहे इसका पूरा का पूरा बन जाए, चाहे इसके साइड पार्ट्स बन जाए, लेकिन फिर भी आपको वो पीछे की तरफ ही रखना है नेक्स्ट स्टेप, तभी अब आपका स्टार्ट होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट और ये है उसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला जो है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और धीरे से आप आराम से देखिए, ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही मुश्किल भी आप कह सकते हैं पहले पहले याद करने के लिए। तो ये फॉर्मूला को आप याद करिए या चीटिंग कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले पहले आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी ये ऐसे ही सीखा था। तो धीरे धीरे करके मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए और सीखिए। तो ये जो हमारा फोर्थ स्टेप है, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम हमारे क्यूब के ऊपर के सारे चार कॉर्नर्स को मैच करते हैं। तो ये स्टेप हमारा इसीलिए है, तो इसमें आप हो सकता है कि आपकी एक साइड मैच हो जाए और हो सकता है कि आपकी कोई भी साइड मैच ना हो। तो अगर जब तक आपकी कोई भी साइड मैच, मतलब हमको पूरी के पूरा क्यूब को मैच करना है, जब तक हमारा पूरा का पूरा क्यूब मैच नहीं होता तब तक आपको वो यही स्टेप आपको रिपीट करते रहना है। मतलब हो सकता है एक बार रिपीट करना पड़े, हो सकता है दूसरी बार रिपीट करना पड़े। और इसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेप पे, और फिफ्थ स्टेप हमारा स्क्रीन पे आ रहा है अभी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको करने से पहले आपको ये, वैसे मैंने क्यूब को बताया था कि आपको जो भी पार्ट आपका बना हुआ है प्रॉपर, उसको आपको बैक साइड पे होल्ड करना है और बाकी के पार्ट्स जो हैं उसको आपके अपने तरफ फेस करना है। तो जो भी हमारा पार्ट बना है तो उसको हम बैक साइड पे फेस करेंगे और ये हम प्रॉपरली इसको तभी बना पाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है उसकी डिटेल्स भी मैं साथ साथ में आपको दे रहा हूँ कि ये मतलब इसका जो एफ है जो उसका क्या मीनिंग है, जो आर है उसका क्या मीनिंग है, तो आप वो देख के अपने हिसाब से थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो आप देख के थोड़ा सा उसको लगा सकते हो। और ये फॉर्मूला को अगर आप याद कर लोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको ये क्यूब बनाना, और एकदम से आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपका क्यूब बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्यूब बन के रेडी हो गया है। तो अगर आपका भी बन गया तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं बना है तो आप दोबारा से ट्राई करिए। फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला लगेगा, आँख बंद करके भी आप बना सकते हैं अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।